संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 12 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते कर्मयोगी की चर्चा भगवान यहाँ पे उसकी मनोभाव मनोदशा और कैसी होती है उसका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त यानी कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान से जोड़कर रखता है, युक्त या योगी। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फलों का त्याग करके। कर्म फलों का त्याग यानी जो भी हम कर्म करते हैं उसका कुछ फल प्राप्त होता है, तो उस फल के प्रति आसक्ति न रख के स्वयं अपने सुख की इच्छा न रख के उस फल को भगवत प्रयोजनार्थ कामों में लगाना, जिसे कहते हैं फलम त्यक्त्वा। फलम त्यक्त्वा का अर्थ यह नहीं कि हमने एक महीने कोई व्यापार किया या कोई नौकरी पेशा की और जो फल हुआ उसको हमने त्याग दिया, नहीं, ये त्याग नहीं है। उसके प्रति अनासक्त होकर उसका उपयोग कुछ अपने भरण पोषण के लिए भी करना चाहिए, साथ ही साथ पूरा केवल अपने लिए नहीं करना चाहिए, उसका कुछ अंश हमें उसका त्याग करना चाहिए और श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करना चाहिए, फलम त्यक्त्वा। तो जब तक व्यक्ति अपने कार्यों के फल से आसक्त रहता है तब तक वो बधा रहता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम। वह ऐसे नैष्ठिक शांति को प्राप्त करता है। ये नैष्ठिक शांति क्या है? एक तो सामान्य शांति का अनुभव सभी करते हैं, जैसे कोई पीड़ा है तो पीड़ा मिट गई तो शांति मिल गई,
किसी के मन में कोई कामना है तो उस कामना के कारण बहुत कष्ट भोग रहा है, वो कामना की पूर्ति हो गई तो शांति मिल गई उसे। किसी को आर्थिक सुरक्षा मिल जाए तो उसको शांति होती है, मनपसंद सरकार बन जाए शांति मिलती है, उसकी इच्छा है कि मेरा देश सुपर पावर बनना चाहिए बन गए, इसमें कोई दोष नहीं है, शांति मिलती है। उसका कोई फेवरेट कोई टीम है वो जीत जाए तो उसको शांति मिलती है। लेकिन यहाँ जिस शांति की बात की गई है वो नैष्ठिक शांति है, नैष्ठिक शांति यानी परम शांति, और यह परम शांति व्यक्ति को तब उपलब्ध होती है जब व्यक्ति अपने समस्त प्रकार के कर्मों का जो फल है उसके प्रति अनासक्त होता है। तो त्यक्त्वा कर्म फलम, हमें कर्म के फलों को त्यागना है, इसका अर्थ है कर्म के फलों को स्वयं को के भोग में नहीं लगाना है, बहुत ही कठिन बात है। तो जब तक व्यक्ति कर्मों का स्वयं को कर्ता मानता है, अपने आप को ही जिम्मेवार मानता है कि मैं करने वाला हूं, तो जब ही अपने आप को कर्ता मानता है तो फिर दूसरी बात उसके साथ आती है, वो अपने आप को भोगता भी मानता है कि मैं भोगने वाला हूं, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं इंजॉय करूंगा। लेकिन जब वो समझ जाएगा नहीं मैं करने वाला नहीं हूं, कर्मयोगी की दशा क्या थी, वो जानता है कि प्रकृति में सब कुछ क्रियाशील है, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब प्रकृति में मेरे इंद्रियां इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रियां अपने इंद्रियों विषयों में ऐसे नियुक्त हो रही हैं, भगवान ने सुविधाएं दी हैं। यदि भगवान ने हमें भोजन नहीं दी होती, भगवान ने यदि हमें पीने के लिए जल नहीं दिया होता, भगवान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं देते, शरीर में यदि सामर्थ्य नहीं होता तो हम क्या कर पाते। तो यद्यपि हम कुछ करते हैं लेकिन हम मुख्य कारण नहीं हैं, हम सब निमित्त कारण हैं। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र होकर स्वयं को कर्ता समझता है कि मैं करने वाला हूं, यानी कि अहंकार की भावना से, अभिमान की भावना से, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर जब कार्य करता है तो उसके जीवन में शांति नहीं आती है, केवल और केवल विषाद आता है। इसी बात को दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। तो एक तो है कि युक्त है भगवान से फिर फलों से अनासक्त है तो वह तो परम शांति को प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति युक्त नहीं है, अयुक्त और काम कारेण, काम जो भी कार्य करता है उसको अपने को कारण समझता है, मैंने किया, तो इस भावना के कारण वो बद्धते, फले सक्तो निबद्धते, फल से आसक्ति होने के कारण वो बद्ध जाता है इस संसार में। तो जैसे कोई मेढक है और मेढक यह विचार करे कि मुझे अपना विस्तार करना है और विस्तार करके बैल जैसे बन जाना है तो क्या यह संभव है? मेढक कितना भी विस्तार करेगा क्या वो बैल की आकृति धारण कर सकता है? लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार के कारण विमोहित आत्मा अपने आप को किसी भी कार्य को करने का कर्ता मान बैठता है और उसके कारण क्या है, इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश अनुभव करता है। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस संसार में फलों से आसक्त न हों, फलों से बधू नहीं, तो उसको सबसे पहले अपनी भ्रांति मिटानी होगी कि वह कर्ता है, समझना चाहिए वह कर्ता नहीं है, कर्ता कौन है, प्रकृति है। अब प्रकृति के पीछे भगवान की ऐसी एक योजना है जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, शरीर क्या है, एक यंत्र के समान है और हम उस यंत्र के भीतर रहने वाले हैं। तो यद्यपि हम भी एक अंश में प्रेरणा देते हैं कुछ कार्य करने के लिए, पर हम स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं, और यदि हम कुछ करते भी हैं तो कर्म के जब कर्म का जो फल प्राप्त होता है उस फल पे केवल हमारा अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा परिश्रम करने से ज्यादा फल मिलेगा और परिश्रम न करने से फल नहीं मिलेगा, कुछ कर्मों के नियम होते हैं। जैसे कोई किसान है तो किसी किसान ने खेती प्रारंभ की तो उसने बीज बोए, उसकी सिंचाई की, समय से बारिश भी हो गई थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था कर दी उसने, तो फल तो उसे मिलेगा। लेकिन अब फल उसे मिलना ही चाहिए यह आग्रह नहीं रखना चाहिए। जैसे आपने कोई अच्छा कार्य किया तो आपकी प्रशंसा तो लोग करेंगे, पर आप यह आग्रह न रखें कि लोग आपकी प्रशंसा ही करें, यह आग्रह रखना है फल के प्रति आसक्ति है।
तो जैसे ही व्यक्ति आग्रह पूर्ण व्यवहार करता है कि नहीं मुझे मिलना ही चाहिए फल, तो बध जाता है। तो फल कर्मों का तो निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा, फल को तुम कैसे त्यागेंगे। आपने कुछ काम किया है तो फल तो उत्पन्न होगा, लेकिन उस फल से आसक्त न होकर कि ऐसा ही हो, बल्कि भगवान के ऊपर निर्भर रहो। भगवान के ऊपर निर्भर रहने का क्या अर्थ है कि जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान जिस प्रकार आपको रखना चाहते हैं उस प्रकार रहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए। और भगवान ने जो सुविधाएं दी हैं उन सुविधाओं का आप सदुपयोग कीजिए। तो जब भी हमें जीवन में कुछ फल प्राप्त होता है तो हमें सोचना चाहिए इस फल के लिए केवल मैं जिम्मेवार नहीं हूं, और भी कई लोग हैं। उदाहरण के लिए यदि मानो कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाता है, तो जिस माता पिता ने उसे सुविधाएं दी तो माता पिता भी जिम्मेवार हैं, है ना। आसपास में जो पड़ोसी हैं, यदि मानो वह उदंड होते, दिन रात वो डीजे चलाते, तो क्या वो पढ़ाई कर पाता, नहीं कर पाता। जिन शिक्षकों से उसने पढ़ाई की है उन शिक्षकों का भी योगदान है, हो सकता है कुछ मित्रों का भी योगदान रहा हो, लेकिन ये सारे योगदान जो है ये गौण योगदान है, प्रमुख योगदान भगवान का है। देखो तो भगवान ने एक ऐसी परिस्थिति उसके लिए निर्मित की जहाँ वह सफल हो सका। तो ये नियम हर परिस्थिति में लागू होता है। जीवन में कोई व्यक्ति जीवन के किसी भी आयाम में सफल हो तो समझना चाहिए इसके ऊपर भगवान की कृपा है। तो इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्मों के फलों का भोक्ता न बने, अपने आप को कर्ता न माने। ये कर्ता की भावना से और भोक्ता की भावना से आत्मा बध जाती है इस संसार में। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कैसे कर्मयोगी इस शरीर में रहते हुए भी सुखपूर्वक वास करता है, क्योंकि यह एक शरीर क्या है, एक नगर के समान है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास अस्ते सुखम बसी नौ द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन नकारयन। सर्वकर्माणि मनसा, मन से समस्त प्रकार के कर्मों का संन्यास, कर्मों का संन्यास नहीं करता, मन से उसके प्रति जो अटैचमेंट है उसका संन्यास करता है, उसको त्यागता है। जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है हमारा कि मैंने किया है मैं भोगूंगा, ये भावना का त्याग करता है। कर्म तो करता है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने यही उपदेश दिया तुम कर्म करो, तुम युद्ध करो, लेकिन तुम ये इस भावना का त्याग करो कि मैं युद्ध कर रहा हूं, तुम बस निमित्त मात्र हो। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य सुखम बसी। तो इस प्रकार की भावना में यदि जीवात्मा यानी कि कर्ता भाव और भोक्ता भाव से मुक्त होकर जब इस संसार में सक्रिय होता है तो सुखम बसी, बसी मतलब वास करना, तो सुख प्रकार सुखपूर्वक इस नौ द्वार वाले नगर में वास करता है। शरीर की तुलना एक ऐसे नगर से की गई है जहाँ पे नौ द्वार हैं, दो आँखें, दो नासिका, दो कर्ण, छः हो गए, एक मुख और दो उत्सर्जन तंत्र। तो इस प्रकार इस नगर के भीतर जीवात्मा है। तो किसी नगर में कई प्रकार के द्वार बनाए जाते हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, तो अंदर में खजाना रखा हुआ है तो वहाँ कोई अचानक से ना पहुँच जाए, एक एक गेट करते हुए आएगा तब तक वो मार गिराया जाएगा। तो उसी प्रकार हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारी इस गेट से क्या आ रहा है, आँखों से क्या अंदर प्रवेश कर रहा है, कानों से कौन से शब्द ध्वनि प्रवेश कर रही है, जिह्वा से मैं क्या अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। जो चीज़ें अनावश्यक हैं, गैर जरूरी हैं, तो उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। जो चीज़ें हमारी चेतना को नीचे की ओर गिराने वाली हैं, तो इस नगर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, कौन है वो, आत्मा है। तो वो आत्मा सुखपूर्वक वास करती है, कब, जब अपने समस्त कर्मों का अपने आप को कर्ता नहीं मानती और अपने आप को भोक्ता नहीं मानती। तो इस भावना से रहकर यदि जीव हजारों हजारों वर्ष तक भी कार्य करे, सक्रिय रहे, तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऐसी व्यक्ति की चेतना कमल के पत्ते पर जल की बूंद के समान है। जैसे कि जल से वो अस्पृश्य रहता है, उसी प्रकार कर्मयोगी, एक बात ध्यान देने योग्य है कि हर भक्त योगी कर्मयोगी तो होता है, पर हर कर्मयोगी भक्त योगी नहीं होता है। कर्मयोगी भक्त योगी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कर्मयोगी जब समझता है कि ये सारी चीज़ें प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हैं, संसार से प्राप्त हुई हैं, संसार की सेवा करनी चाहिए, तो कर्मयोगी है।
लेकिन जब वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है कि हमें भगवान से सुविधाएं मिली हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो ऐसा कर्मयोगी भक्त योगी बन जाता है। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे वो कर्मयोगी हो चाहे भक्त योगी हो, वो इस संसार में इंटेंगल्ड नहीं होता, बंधता नहीं। तो ये कुछ गूढ़ बातें हैं निष्काम कर्म योग की, इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे आने वाले सत्रों में। श्रील प्रभुपाद की जय।